इसमें तो देखो आज के सेटअप में सेशन में हम क्या करने वाले हैं, फुट प्रिंटिंग के प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं। तो क्या क्या चीज़ हम कवर अप करेंगे, सबसे पहले हम फुट प्रिंटिंग करेंगे सर्च इंजन के थ्रू, जिसमें हमारे पास चार टेक्निक होती है। पहली टेक्निक होती है गूगल हैकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, दूसरी वीडियो सर्च इंजन का इस्तेमाल करके, तीसरा FTP सर्च इंजन इस्तेमाल करके, और चौथा IoT सर्च इंजन। उसके बाद आता है परफॉर्म फुट प्रिंटिंग थ्रू वेब सर्विसेज, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे नेटक्राफ्ट वेबसाइट का, ठीक है, हार्वेस्टर टूल का, और उसके बाद हम करेंगे परफॉर्म फुट प्रिंटिंग थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम शेयरलॉक टूल है वो इस्तेमाल करेंगे, हार्वेस्टर टूल इस्तेमाल करेंगे, और फॉलोवर बुक नाम की वेबसाइट है उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वेबसाइट फुट प्रिंटिंग है, ठीक है, और देन आपका ईमेल फुटप्रिंटिंग, वॉइस फुटप्रिंटिंग, DNS फुटप्रिंटिंग, नेटवर्क फुटप्रिंटिंग अभी हम इसमें स्किप करेंगे क्योंकि वो नेटवर्क वाला पार्ट हमारा स्कैनिंग में कवर हो जाएगा, तो हम 7th प्रैक्टिकल तक करेंगे, ठीक है। तो ठीक है सबसे सर। पहले आ जाता है हमारा एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक्स। तो एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक्स मतलब गूगल डॉक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। गूगल की कुछ कमांड्स होती हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने रिजल्ट को थोड़ा फिल्टर आउट करने के लिए और इजी वे में फाइंड आउट करने के लिए। तो इससे क्या होता है, हमारा जो रिजल्ट है वो फिल्टर होके आता है और जो क्वेरीज हम ढूंढ रहे हैं वो इजी हो जाती है हमारे लिए फाइंड आउट करना। तो ये सब चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं वो देख लेते हैं। सपोज वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लैब मैनुअल आप देख लेना, बट मैं कुछ खास खास करा रहा हूँ। जैसे मैंने गूगल पे लिखा facebook.com, जब मैंने यहाँ पे facebook.com लिखा तो सीधा फेसबुक आ गई, लेकिन मैं यहाँ पर सीधा अगर फेसबुक लिखूँ तो मेरे पास रिजल्ट में कितने आ गए, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ गए। अब अगर मैं इसको थोड़ा फिल्टर आउट कर दूँ, जैसे कि इन टाइटल, या मैं कर दूँ इन URL, यानी कि मेरे URL में फेसबुक वर्ड होना चाहिए, तो देख सकते हो 7,85,000 यानी 7,85,000 रिजल्ट आ गए। बहुत रिजल्ट फिल्टर आउट हो गए क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया URL में कि URL में फेसबुक वर्ड होना चाहिए। यही मैं टाइटल में कर सकता हूँ। URL क्या है हमारा, ये जो ब्लू में आ रहा है इसके ऊपर जो आ रहा है ये URL है, ये जो ब्लू में आ रहा है ये टाइटल है, और इसके ऊपर वाला जो आ रहा है http://www.facebook.com, ये हमारा URL होता है, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन URL के अलावा इन टाइटल भी है। इन टाइटल में मैं चाहता हूँ मेरे पास वही साइट्स आए जिनके टाइटल में फेसबुक हैकिंग हो, तो टाइटल में वही सारी साइट्स आएंगी जिनके URL में फेसबुक हैकिंग वर्ड होगा। तो यहाँ पे सबके पास देखो टाइटल में फेसबुक हैक, हैक FB अकाउंट, फेसबुक अकाउंट पासवर्ड, हैकिंग विद एक्सपर्ट्स, हाउ टू हैक फेसबुक, यानी हैक फेसबुक, फेसबुक जरूर आएगा। तो ये कुछ कमांड है, इसी के थ्रू हम इन टाइटल के अलावा किसी भी लेटेस्ट मूवीज, डायरेक्टरीज, बुक्स, जैसे मैं इन टाइटल इंडेक्स ऑफ किस चीज का इंडेक्स, हैकिंग बुक्स, तो यहाँ पे हमारे पास हैकिंग के बुक्स आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टरीज आ रही है हमारे पास, डायरेक्टरीज में हैकिंग की बुक्स अवेलेबल है। तो यहां से मैं किसी बुक को डाउनलोड कर सकता हूँ, इवन मैं मूवीज को भी डाउनलोड कर सकता हूँ। सर कितना टाइम हुआ सर स्टार्ट किए हुए? बस अभी 2 मिनट ही हुए हैं। सर इससे पहले क्या लिया सर आपने? अभी यही चल रही है हमारी डॉक्स, गूगल डॉक्स। ठीक है सर। ठीक है, तो आप लेटेस्ट से लेटेस्ट मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं, 2021 की मूवीज हैं ये सारी, ठीक है, ऑलमोस्ट 2021 की ही हैं।
तो आप सीधा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। ये 2020 की है, वैसे वेब एप्लीकेशन में इसकी मैं बात करूं तो ये डायरेक्टली ट्रावर्सल अटैक है, मतलब कि वेब एप्लीकेशन में ये डायरेक्टली ट्रावर्सल अटैक होता है जिसमें सेंसिटिव फाइल एक्सपोज हो जाती है। तो यहाँ पे सेंसिटिव फाइल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मूवीज की फाइल है तो ये एक्सपोज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, तो इस डॉक का इस्तेमाल करके हम मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, इनका आइटम निकाल सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं इसको और अच्छे से इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। हमारे पास एक वेबसाइट होती है एक्सप्लॉइट डीबी, तो एक्सप्लॉइट डेटाबेस खुद में एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, जिसके अंदर लेटेस्ट से लेटेस्ट बग्स, एक्सप्लॉइट्स और गूगल डॉक्स इस्तेमाल की गई होती है। तो यहाँ पे हम गूगल हैकिंग डेटाबेस पे जाएंगे, और इस गूगल हैकिंग डेटाबेस पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे WP कंटेंट अपलोड डाटा डॉट TXT है। मैं इस डॉक का इस्तेमाल करके जितने भी साइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है और जिनके अंदर डाटा डॉट TXT है, उसमें से डाटा हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इतनी सारी साइट्स आ रही हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी एक साइट के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो डाटा आ रहा है, यहाँ पे एडमिन है और शायद पासवर्ड है ये, ठीक है, ये आई थिंक पासवर्ड सी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, फिर ये नंबर, और देखते हैं इस पे। यहाँ पे भी पासवर्ड सी है, ठीक है। और भी बहुत सारे फाइल्स कंटेनिंग पासवर्ड सही है, ठीक है। इस गूगल डॉक्स से मैंने वो फाइल्स निकाल ली जिनके अंदर पासवर्ड्स थे। उसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता हूँ, जैसे और देखते हैं कुछ यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सा देखते हैं जिसमें कुछ मजा सा आ जाए। 60 सर, हमें अगर किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पर करना हो तो फिर
तो भी आप उसका फिर आप यूआरएल मेंशन करोगे, ठीक है? मतलब किस तरह से करना है सर, बताइए जैसे मेरे को यहाँ पे थोड़ा। ऑल इन टेक्स्ट है ना, हम्म, उसको चेंज करके आपने लिखना है इन यूआरएल। सर आप मतलब कोई वेबसाइट लेके उस पर करके देखिए ना, मतलब दिखाइए हमें। देखो यहाँ पे एक स्कूल है, ठीक है, हाँ हाँ सर, इस स्कूल की वेबसाइट पे ये वल्नरेबिलिटी का डाटा मिला मुझे। यहाँ पे फोर्थ क्लास के बच्चों का कुछ डाटा मिला है जिसके अंदर पासवर्ड्स हैं, ये देखो, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो हाँ सर, ये क्या है, इन डॉक्स का इस्तेमाल करके हम इन वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। ऑल डिटेल आर करेक्ट और नॉट, मोबाइल नंबर्स वगैरह जो ईमेल आईडी दी हुई है उसमें करेक्ट हो गया है या फिर इनकरेक्ट हो गया है? क्या कह रहे हो, मोबाइल नंबर? जो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ये जो डिटेल्स वगैरह ईमेल आईडी दी हुई है उनकी, वो हाँ, डेटा एक बार राइट होगा या रॉन्ग होगा? देखो ये तो चेक करने के बाद ही पता चल सकता है, बट पॉसिबिलिटी ओके है कि स्कूल की ओरिजिनल साइट पे मैसेज बोर्ड में डला हुआ है डाटा, वो भी एक्सेल में, तो इन्होंने इसको हाइड करने की कोशिश की होगी, बट इन्हें आइडिया नहीं था। यहाँ पे देखो सफर सेंट्रल डॉट ओ आर जी है, यहाँ पे भी ये डाटा मिल रहा है, यहाँ पे भी एक एक्सेल फाइल है। तो ये सब क्या है, ये वल्नरेबिलिटीज की वजह से है, लेकिन इनको ये पता ही नहीं है कि इस टाइप की वल्नरेबिलिटी इनकी साइट्स पे हैं, और गूगल के डेटाबेस में ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखो बुक फ्लिक्स, यूजर नेम और पासवर्ड। सर, हम्म, पर हम जहाँ मतलब वर्क करेंगे वहाँ पर हमें स्पेसिफिक मतलब सर्वर का नाम मिलेगा या फिर डोमेन का नाम मिलेगा ना सर, तो हमें उस पर वर्क करना होगा। हाँ, तो वहां पे आपको क्या करना है, जैसे ऑल इन टाइटल दे दिया मैंने, और यहाँ पे इन यू आर एल कॉलन, मैं अभी ऐसे ही दे देता हूँ, क्रॉ डॉट इन, ठीक है, तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला क्योंकि एक्चुअल में है ही नहीं क्रॉ पे ऐसी कुछ वल्नरेबिलिटी, तो आप इसको फ्रंट में भी लगा सकते हो, कट करो यहाँ से और यहाँ पे इस कर दो। लेकिन जब मतलब हम सर ये URL मतलब इस वेबसाइट पर ये इस वाला चेक यूआरएल के करना है अंदर, ना हाँ इस यूआरएल के अंदर ये चीजें वो सर्च करने की कोशिश करेगा। सर, आपने अभी जो मतलब वेबसाइट लिया ना सर, जहाँ से एक्सएलएस फाइल XML फाइल डाउनलोड की सर, तो फिर हाँ उसी वेबसाइट का नाम लेकर मतलब वहाँ पर इन URL में डाल कर देखिए, रिजल्ट एक मिनट, मिलता है या नहीं। सर HTTPS पर नहीं होता है सर ये वाला काम, जहाँ नहीं, पर नॉट सिक्योर HTTP वेबसाइट पे, नॉट सिक्योर वेबसाइट पे ही होगा मोस्टली। देखो अगर HTTP ये एक वल्नरेबिलिटी है, हालांकि इस वल्नरेबिलिटी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टूल से, ये तो हाँ इन्होंने सर, गूगल डॉक करके यहाँ पे रिजल्ट्स को डाल दिया है, लेकिन एक्चुअल में जिसने भी ये वल्नरेबिलिटी ढूंढी होगी, उसने ऐसे ये इन यूआरएल इन टाइटल करके नहीं ढूंढा होगा, उसने वल्नरेबिलिटी स्कैनर से इनको ढूंढा होगा, ठीक है? तो जब हम ठीक है वेब सर। एप्लीकेशन वाला पार्ट करेंगे ना, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम वल्नरेबिलिटी स्कैन करते हैं एक वेबसाइट पे। सर आप तो इसे कॉपी करके डालिए ना इन्हीं वाले। इसके साथ में नीचे वाला भी कॉपी हो रहा है। डायरेक्ट यूआरएल कॉपी नहीं हो रहा इसका। ज्यादातर ये जो वल्नरेबिलिटी है ना छोटी मोटी साइट्स पे ही है,
वो यहाँ पर ना तो पाकिस्तान की एक साइट है, एक तो उस पे है ठीक है, और बाकी तो कोई गवर्नमेंट साइट नहीं मिली अभी तक ऐसी कोई जिसके अंदर ये एक थी वल्नरेबिलिटी। सर, माय सूरत नाम की थी सर, गवर्नमेंट की थी वो, गवर्नमेंट की लग रही थी सर। दो नंबर वाले पेज पर नहीं गवर्नमेंट की नहीं है, डॉट इन है, गवर्नमेंट की डॉट जीओ भी मिलेगी आपको। यहाँ पर हम डाल सकते हैं ना सर एक्सटेंशन में। हाँ आप, लेकिन देखना पड़ेगा ना इनका ये वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, वरना जिन्होंने ये वल्नरेबिलिटी निकाली है वो भी तो इनको वो करवा सकते थे, पैच करवा सकते थे उनको अपडेट करके, ठीक है। सर अगर हम हमें किसी और मतलब स्पेसिफिक वेबसाइट पर अगर ये ऐसी कोई वर्नेबिलिटी मिले तो फिर उसके मतलब हमें हमें करेक्ट, इन्फॉर्म करके कितना मिल सकता है सर, मतलब कितना पे कर सकते हैं हमें ये वाले, देखो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो वो वल्नरेबिलिटी है ना वो कौन सी वो वेबसाइट बग पर है। बाउंटी में आता है या नहीं आता, तो उसके लिए तो आपको बग क्राउड और हैकर वन पे से साइट्स उठानी पड़ेगी, और अगर उसके अंदर वो वल्नरेबिलिटी मिलती है तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक ठीक है सर, है। हम अगर डायरेक्टली बोलते हैं सर उनको तो। नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते, अगर डायरेक्टली अगर गवर्नमेंट की साइट पे मिलती है ना आपको तो आप इस पे जाके अपडेट कर सकते हो, आप इनको रिपोर्ट कर सकते हो कि मुझे आपकी इस वेबसाइट पे ये वल्नरेबिलिटी मिली है, और इनको आप फिर ये आपको पैसे तो नहीं देंगे यार, हॉल ऑफ फेम दे देंगे। ये देखो ना सीवी रिपोर्ट आ रही है, एप्रिसिएशन लेटर आ जाएगा सर बस एक। हाँ बस अप्रिसिएशन लेटर आ जाएगा कि बस बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा काम किया है, पैसा नहीं मिलेगा सर वो तो आपको सिर्फ उन्हीं साइट पे मिलेगा जो बग बाउंटी में आती है, ठीक सर है। तो एक तो ये तरीका है हमारे पास का, फिर मतलब वो जो लेटर देते हैं फिर उसका कुछ फायदा होता है सर जॉब के लिए बाद जो में। आपका सीवी स्ट्रॉन्ग कर देता है। जैसे आप पेनिटेशन टेस्टिंग की जॉब के लिए जाना चाहते हो ना, तो आप मेंशन कर सकते हो कि मैंने गवर्नमेंट की साइट में इतनी सारी बग्स को फाइंड आउट किया था और मेरे पास उसके एप्रिसिएशन लेटर्स भी हैं, ठीक है सर, तो वहां पे एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर गूगल डॉक्स खुद ठीक है से सर, चलाना ना आए तो उसके लिए हमारे पास टूल भी अवेलेबल है, उस टूल का नाम है गूगल हैक्स, तो वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, और उसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ मैं आपको। सोर्स सोर्स फोर्टनेट नाम की एक वेबसाइट है, इस पे मिल जाएगा। सर यहाँ पर जो मतलब फ्री में जो सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं उनमें उनके अंदर कोई वायरस वगैरह तो नहीं होता ना सर। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लेकिन वर्चुअल नहीं पे यहाँ से जो चलाओ आप, मिलती है स्कूल से। ना इंस्टीट्यूट से जो मिलते हैं उनमें भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप वर्चुअल पे ही चलाओ क्योंकि कुछ एंटीवायरस उनको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है सर, WSL का आइडिया है कुछ? किसका WSL, WSL का अभी उसमें मैंने कुछ किया नहीं भाई। ओके नहीं अगर जैसे WSL यूज करे तो ये हाँ वो तुम कर सकते हो इस्तेमाल उसमें, क्योंकि वो सैंडबॉक्स में चलता है तो उस पे रिस्क सर नहीं है। WSL का मतलब सर। विंडोज में एक फीचर है जिसपे आप लिनक्स ही कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हो, एक तरीके से आपकी काली आ जाएगी उसी के अंदर। उसमें काली है सेंटोस है सब यूज करना, अगर आपको WSL पे यूज करना तो उस पे कर सकते हैं हम। तो यहाँ सर पे जल्दी गूगल कुछ एक्स नाम सेफ का लिंक सॉफ्टवेयर चला आ दे गया, सर। क्या कह रहे हो? मोस्टली विंडोज का यूज नहीं करते सर, अगर चला सकते हैं तो। हाँ सर ये टूल खाली इस पे VM पे ही चलेगा या फिर विंडोज पे भी चलेगा। विंडोज पे, ठीक है। यहाँ पे आप बुक चाहिए तो आप बुक टाइप कर सकते हो, हैकिंग के बुक चाहिए आपको सीधा सर्च करो, और गूगल पे अपने आप डॉक बनाएगा और आपको वो सारी वेबसाइट्स निकाल के दे देगा जिन पे हैकिंग के बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप गूगल डॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो फाइंड आउट करने के लिए।
उसके अलावा हमारे पास, एक मिनट, उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है वीडियो सर्च इंजन। तो वीडियो सर्च इंजन में हमारे पास एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट का नाम है YouTube डेटा व्यूअर। तो ये जो YouTube डेटा व्यूअर है इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप YouTube के डेटा को देखने के लिए। हालांकि YouTube का डेटा तो आप YouTube पे भी देख सकते हो, बट ये एक साइट बनी हुई है कि आप इसमें YouTube आईडी के साथ साथ उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह को भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ मैं कोई भी एक वीडियो उठा लेता हूँ और उस वीडियो को देखते हैं हम, ठीक है? तो जैसे मैंने ये वीडियो यहाँ से उठा लेता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और गो करता हूँ। जैसे मैंने गो किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, नाम के साथ टाइटल भी दिया हुआ है, ठीक है? पीवी सिंधु प्लेज विद यंग बैडमिंटन एंथुजियास्ट इन दिल्ली। देन आपका यहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन, ठीक है? वीडियो की एक सेपरेट आईडी जो होती है वो आ गई, यही आईडी आपको यूआरएल में भी मिल जाती है, कब अपडेट हुई थी, ठीक है? अपलोड डेट और उसके अंदर जो थंबनेल्स है, जो फोटोज इस्तेमाल की गई हैं उनके स्क्रीनशॉट्स, वीडियो के अंदर जो फोटोज हैं उनके स्क्रीनशॉट्स, ठीक है? सर, हाँ, ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है सर, मतलब क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल ऊपर जो दी गई हुई ये एक वीडियो, ठीक वेबसाइट है जो YouTube के मेटा डाटा को देखने के लिए बनाई गई है, ठीक है सर। है? और ये इसी कंपनी ने बनाई है। उसके बाद आपके पास FTP सर्च इंजन होता है, हालांकि इसका भी कोई यूज नहीं है हमारे लिए FTP सर्च इंजन का। तो सर्च FTP .net ये वेबसाइट है, यहाँ पे आउटडेटेड चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है? जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट का देखता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्सपायर्ड FTP फाइल्स हैं वो मिल जाएंगी आपको, RPM फाइल्स, ये सब चीजें। लेकिन हमारा भी कोई यूज नहीं है इसका। ISO फाइल मिल जाएंगी आपको गेम्स की, यानी वो सारी साइट्स आ जाएंगी यहाँ पे जिनके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है और उन वल्नरेबिलिटीज में FTP से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गेम की ISO फाइल मिल गई मुझे, कॉम्बैट फाइट सिमुलेटर CD, ISO फाइल उसकी पहले पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों मिल गया, ठीक है? तो ये इन सभी वेबसाइट्स में सर कोई ना कोई मतलब बग है। बग है और इन बग का हम फायदा उठाते हैं इन चीजों का इस्तेमाल करके। सर्च FTPS.net ये थी ना सर? हाँ, तो यहाँ से हम फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपका IoT सर्च इंजन आता है, IoT सर्च इंजन आपका शोडाउन है, तो showdown.io। हालांकि इसको अभी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, इसका IoT वाले टॉपिक में करेंगे कवर। तो इस पे क्या है कि ये एक सर्च इंजन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। आप यहाँ पे वेबकैम, प्रिंटर्स, UPS, CPUs, यानी जो भी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और उनके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, CVE, जैसे मैं डालूँ यहाँ पे वेबकैम XP, और इस पर लाइव वेबकैम्स मत खोलना, कुछ और ही खुल जाता है। तो जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो अगर मैं इनमें से किसी भी एक IP को उठाऊं तो इनके अंदर इतने सारे पोर्ट्स ओपन है। सिंपल सी बात है, जब इतने सारे पोर्ट्स ओपन मिलेंगे तो इतनी वल्नरेबिलिटी तो भर भर के होंगी, ठीक है? और हर एक वल्नरेबिलिटी की डिटेल यहाँ पे दी हुई है, तो आप इन वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठा सकते हो मेटास्प्लॉइट का यूज करके, एक्सप्लॉइट DB से पेलोड्स डाउनलोड करके। तो पेलोड्स में आएगा क्या वैसे? वो डिपेंड करता है कि हम किस पोर्ट पे कर रहे हैं। जैसे हमने FTP पोर्ट को किया तो FTP पोर्ट में उसके अंदर जो फाइलें अवेलेबल हैं वो सारी हमारे पास आ जाएंगी, उसके सर्वर पे जितनी भी फाइलें रखी हुई हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से हम कोई भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। पर सर जो पेलोड अपलोड करना हो तो मतलब आगे आएगा कोर्स में? हाँ, वो सब सिखाऊंगा मैं आपको।
पेलोड बनाना भी सिखाऊंगा और उसका इस्तेमाल करना भी। ठीक सर इनको बब शूट पे भी एक्सप्लोइट कर सकते हैं, मतलब ढूंढ सकते हैं बब शूट पे भी? है, बब शूट से भी कर सकते हो, बट बब शूट ना एडवांस हो जाता है बहुत। अगर आपका हैंड्स ऑन अच्छा है तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन जो नए नए बंदे होते हैं उनके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है बब शूट। और सीवीई का कैसे पता चलता है कि कौन सा वल्नरेबिलिटी है, कौन सा एरर है, ये कोड दिया होता है ना, ये वाला और कि 2019 इसके में, अंदर स्पेसिफिक स्पेसिफिकिटी होती है कि इसके अंदर यही क्वालिटी का होगा, राइट? हाँ जैसे मैंने इसको कॉपी किया और इसको डाला और इसके आगे लिख दिया वल्नरेबिलिटी, तो उसकी वल्नरेबिलिटी आ जाएंगी। ठीक है, और यूट्यूब पे इसकी POC भी मिल जाएगी। सर इसका एक मतलब कुछ डेमो दोगे ना बाद में, मतलब हाँ मैं प्रैक्टिस? एक डेमो कर रहा हूँ, मैं पूरा एक्सप्लोइट करके दिखाऊंगा वल्नरेबिलिटी से। ठीक ठीक है सर। है, अभी इनुमरेशन वाला टॉपिक आएगा ना, उसमें मैं आपको एक वर्डप्रेस की साइट पे करके दिखाऊंगा। ठीक है सर। उसके बाद हमारा आता है नेट क्राफ्ट। नेट क्राफ्ट हमारी दो तरीके से काम आती है, एक तो सब डोमेन्स की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, दूसरा कोई साइट किस टेक्नोलॉजी पे रन कर रही है, उसका IP क्या है, सर्वर क्या है, वो सब चीजें निकालने के लिए। तो आपको यहाँ पे रिसोर्सेज में जाना है, और रिसोर्सेज में जाने के बाद आ जा भाई, ठीक है, साइट रिपोर्ट, और रिसोर्सेज में जाने के बाद सर्च DNS, डोमेन नेम, सर्वर और साइट रिपोर्ट। साइट रिपोर्ट में वेबसाइट का URL दे देता हूँ, और यहाँ पे crow.in दे देता हूँ। ठीक है, तो crow.in का कोई भी सब डोमेन नहीं है, लेकिन अगर मैं यही चीज फेसबुक की करूं तो फेसबुक के बहुत सारे सब डोमेन्स हैं। ठीक है, apps.facebook.com, web.facebook.com, m.facebook.com, developer.facebook.com, सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। और कब बने थे, कोई मई 1997 में बना था, कोई दिसंबर 2006 में बना था, कोई नवंबर 2008 में बनी थी। ठीक है, ये पर सब चीज। सर हाँ फेसबुक तो मतलब 2005-6 में बनाया ना सर, 1997 हाँ दिखा रहा है। ये 1997 इसलिए दिखा रहा है, ऑफिशियली पब्लिकली जो फेसबुक लॉन्च हुआ था ना लोगों के लिए, हाँ वो 1997 में नहीं हुआ था, वो 2005 में हुआ था, हाँ सर, क्योंकि वही पहले तो जब ये बनाया इसके पहले था। डोमेन खरीद के रख रही होगी ना। हाँ, शुरू में तो उन्होंने होस्टिंग अपने लिए बाय की थी, अपने पर्सनल यूज के लिए की थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि पब्लिक भी इंटरेस्टेड है तो उन्होंने फेसबुक को पब्लिकली कर दिया। अच्छा और साइट रिपोर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे मैंने क्रॉ का निकाला तो यहाँ पे टाइटल आ गया साइट का। ठीक है, रैंक आ गई साइट की, प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है, रिस्क नेटक्राफ्ट पे 10 out of 1, मतलब 1% रिस्क है कहीं पे। ठीक है, कुछ ना कुछ है इस पे ऐसा जिसपे 1% रिस्क है। फर्स्ट कब बनी थी, 2017 दिसंबर में। साइट crow.in, डोमेन कहाँ से बाय किया गया था? वो डैडी से हाँ ठीक है, उसके बाद होस्टिंग भी GoDaddy से ली हुई है, और इसके ऊपर क्लाउड फ्लेयर की प्रोटेक्शन है ताकि कोई DDoS अटैक परफॉर्म ना कर पाए। सर अभी टॉप, जो, हेलो सर, अभी जो ये मतलब IPv4 दिखा रहा है सर यहाँ वेबसाइट का, हाँ ये मतलब इस IP पर तो वो मतलब बहुत सारी वेबसाइट दूसरे भी होस्ट हुई होंगी ना। हाँ वो भी हो सकता है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसको कॉपी करना है, एक वेबसाइट है यू गेट सिग्नल, मतलब यहाँ पर पता चल जाएगा सर कि हाँ रिवर्स IP लुकअप करो, यहाँ पे पेस्ट करो, तो यहाँ पे boat.com भी है, AWSGlobal.com भी है, क्लाउड प्रोक्सी 133 ये भी है, सेम सर्वर पे। वो ठीक तो है सर, डेटा इनको तो इनका स्टोर होता है ना मल्टीपल पे, एक रैंडम की जगह मल्टीपल पे स्टोर कर सकते हैं ना ये लोग? हाँ ये शेयर्ड होस्टिंग है। कैसे कुछ फिक्स थोड़ी है कि एक सर्वर पे एक ही डेटा स्टोर होगा, तो मल्टीपल कितना भी ये लोग कर सकते हैं, अपन को तो खाली एक ही दिखेगा ना। हाँ तो पर होस्टिंग सर में, अगर हम किसी भी वेबसाइट को अगर आईपी एड्रेस से मतलब कुछ पेलोड इंस्टॉल करना चाहे तो नहीं IP से नहीं कर फिर पाऊंगा। उसमें मतलब दिक्कत आ सकती है ना सर? नहीं सर, हाँ नहीं
आईपी से भी नहीं हो पाएगा और दूसरा आपकी लॉक्स भी आएंगी। ठीक है सर। ठीक है, तो सब डोमेन और हमने साइट किस चीज पे रनिंग कर रही है वो भी पता चल गया। उसके बाद हमारे पास आता है पी क्यू, ये आप देख लेना पी क्यू डॉट कॉम जो है, इस पे मुझे कुछ खास नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो डाटा कोई ओरिजिनल डालता नहीं है ऐसे इन साइट्स पे, और कोई अकाउंट भी क्रिएट नहीं करता। तो पी क्यू पे तो आप सर्च करोगे तो कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, बाहर के कंट्रीज में ज़्यादा ठीक तरीके से काम करती है। देन आपके पास आ जाता है आई ओ टी सर्च इंजन, नहीं आई ओ टी नहीं, ये यहाँ पे हार्वेस्टर। हार्वेस्टर आपका ईमेल एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हार्वेस्टर टूल को अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें हार्वेस्टर टूल हमारा काली में इनबिल्ड होता है, ठीक है, तो दी हार्वेस्टर लिखना है आपने, और दी हार्वेस्टर का यूज करके आप उसके ईमेल्स को निकाल सकते हो। तो हम कर लेते हैं काली में, ठीक है, यहाँ पे मैं बायजू देता हूँ। हाइफन डी फॉर डोमेन, हाइफन एल फॉर लिमिट, और हाइफन बी फॉर सोर्स, ठीक है, तो ये इस पे नहीं ले रहा है, किसी और साइट पे ट्राई करते हैं। सर एक बार दोबारा बताना क्या बताया था, डी सी डोमेन और आगे क्या बताया था। एल फॉर लिमिट कि मैं कितने रिजल्ट चाहता हूँ, मैं 200 ओके रिजल्ट चाहता हूँ, और हाइफन बी, ओके बी फॉर यहाँ पे सोर्स, किस सर्च इंजन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके थ्रू मैंने यहाँ पे सब डोमेन्स निकाले, devlogs.microsoft.com, powerapps.microsoft.com, support.microsoft.com, techcommunity.microsoft.com और microsoft.com एक अलग से है। तो आप इस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हार्वेस्टर का भी, ठीक है, ईमेल होता तो ईमेल भी निकल जाते, आईपी होते तो आईपी भी, तो इसमें अभी कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। अभी हम साइट और दूसरी चेक करते हैं। सर हेलो हाँ सर, हैकर वन पे जो मतलब कौन सी कंपनी की वेबसाइट लेनी है, कैसे लेनी है, वो सब मतलब कंफ्यूजन होता है सर वहाँ पर। टेस्टिंग के लिए कौन सा लेना चाहिए, तो देखो, पैसे वालों के फिर पीछे उसका भागोगे तो वहाँ कोई। पे, पैसे वाले के पीछे भागोगे तो वहाँ पे बहुत सारी साइट्स वाले पहले से बग हंटर उन साइट्स को लिए बैठे होते हैं, तो तुम वो वाली साइट्स पकड़ो स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे होते हो, जिस पे पॉइंट्स मिलते हैं, हॉल ऑफ फेम या रिवॉर्ड मिलते हैं या स्वैक्स मिलते हैं, उनको अच्छा पकड़ो। अगर आप मनी वाली पकड़ोगे तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब वो मतलब किस तरह से फाइंड करना है सर वो वाली साइट्स हैक को, द उसको बॉक्स, बताएंगे हैक द वो रैंक, एक जो हैक द बॉक्स होता है वो क्या है, वो क्या चीज है, फिर सीटीए पे कैप्चर द फ्लैग। बग क्राउड है, हैक द बॉक्स, हैक द रैंक क्या है। देखो यहाँ पे आप प्रोग्राम्स पे जाओगे, यहाँ पे अलग अलग ब्रांड ने अपना अपना डाल रखा है, हाँ सर तो यहाँ पे लिखा हुआ बाउंटी, वो तो तुम छोड़ ही दो हाँ स्टार्टिंग में, क्योंकि उस पर लगे रहोगे तो बहुत सारे लगे हुए हैं, तो इससे बेटर है कि आप वैक्सी पकड़ो जहां पे आपको बाउंटी की जगह थोड़ा हॉल ऑफ फेम ये सब मिले। यहाँ पर दिया हुआ है सर तो पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स दिए हुए हैं, वाला। पॉइंट्स पॉइंट्स, ठीक है, इवन यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट, ये यूएस गवर्नमेंट की होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, इस पर टेस्टिंग कर सकते हो। इन स्कोप में लिखा हुआ है कि आपको DHS.gov वाले सब पे करने हैं, ठीक है, और वो भी सब लिखा होता है कि आपको किस किस पे नहीं करना है, तो सब चीजें मेंशन होती हैं।
ठीक है सर, दोनों में से कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, हैकर वन या फिर बग क्राउड? दोनों ही अपनी जगह सही है, दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो आप। नहीं सर, सिंपल कौन सा होगा सर यूज करने में दोनों में से? हाँ हैकर वन भी दिखा देता हूँ। सर, आपका कोई इंटरनेट का इशू चल रहा है सर? स्क्रीन लेट शो कर रही है, ओएस पे ले रही और स्क्रीन लेट आ रही है। बाकी किसी के में भी यही इशू आ रहा है? हेक्सो नहीं सेट सर, का आइडिया है क्या? नहीं सर। हेलो, हाँ हेक्सो सेट का आइडिया है क्या? नहीं, हैक्टिव साइट पे मैं एक्टिव नहीं हूँ। और उस पे जो हैक द बॉक्स है उसके ऊपर? हाँ हैक द बॉक्स का कर सकते हो तुम, उस पर प्रैक्टिस, उस पर काफी अच्छी रैंक हो जाती है, लेकिन थोड़ा टफ रहता है वो, हाँ वो थोड़ा टफ तो रहता है, मैंने किया था एक बार प्रैक्टिस लेकिन और वहां अभी। पे टफ बेसिक रहता है, लेकिन वहां पे तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी हो जाए ना तो तुम्हारे लिए जॉब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हैक द बॉक्स हाँ का हाँ सर, अभी बिगिनर के लिए ट्राई हैक में भी अच्छा है। बिगिनर के लिए तो ट्राई हैक में बेस्ट है। ठीक है, तो हैकर वन पे ज्यादा प्रोग्राम है आपके पास टेस्टिंग के लिए, बग क्राउड पे थोड़े कम है। सर हैकर वन में कहाँ से आएगा ये ऑप्शन? ये आप यहाँ पे इसमें जाओगे ना, एक मिनट, रिसोर्स यहाँ के पे अंदर, कंपनी के अंदर, वाई हैकरिंग के अंदर, वाई तीनों हैकर में वन मिलता में है जाके सर। प्रोग्राम डायरेक्टरी। ओके सर, मतलब क्या करना है सर, किस तरह से? सर कुछ नहीं, इस पे अकाउंट बनाओ और कोई भी एक कंपनी उठा के उस पर टेस्टिंग करना शुरू कर दो, उसका कोडिंग डोमेन क्लियर लैंग्वेज हो। पे कमांड अच्छी होनी चाहिए लैंग्वेज के ऊपर, आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसके ऊपर। बग बाउंटी के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। क्योंकि उसके पहले बार पहले सीएस को अच्छी तरह समझो, उसके बाद आगे जाओ, क्योंकि सबसे पहले बेसिक चीज यही है। देखो मैं तो आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, सीईएच की लैब मैनुअल पूरी कर लो। अगर आपने लैब मैनुअल पूरी कर ली ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सीएच आप बिल्कुल बीट कर जाओगे किसी भी लोगों को प्रैक्टिकली, क्योंकि सीएच की लैब मैनुअल बहुत बढ़िया है इस बार और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है। अब इसमें 100 ऑफ प्रैक्टिकल से ऊपर है, ठीक है, 1850 पेजेस की बुक है, तो अगर आप प्रैक्टिकली 1800 पेजेस की बुक कर लोगे और इसके अंदर अगर 400 प्रैक्टिकल भी होंगे तो आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा, चाहे वो आउटडेटेड हो या चाहे वो आपके अभी लेटेस्ट हो, बट प्रैक्टिस करते रहो। भेज तो दिया ठीक है सर। व्हाट्सएप पे, ठीक है। और सर, हैक द बॉक्स वाला जो सीटीए पे, वो मतलब इनका वाला है, हैक द साइट वाले का? नहीं, अलग है। और हैक द साइट मतलब क्या है सर, हैक लाइक दिस दिस साइट भी वाली एक वेबसाइट एक एक वहां साइबर पर? सिक्योरिटी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसपे आप बहुत सारी चीजों के चैलेंजेस मिलते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है सर। गूगल पे बहुत सारी साइट्स हैं ऐसी जो भरी पड़ी हैं इन सब चीजों से, तो इससे बेटर है कि आप पहले मतलब शुरुआत कहाँ से करें कुछ सर, क्या देखो, शुरुआत के लिए तो मैं मैंने आपको यही मतलब कहूंगा, आप ट्राई हैकमी से कर सकते हो शुरुआत, ट्राई है कृषि ट्राई हैकमी से। वो इसलिए बेस्ट है क्योंकि वहां पहले हर एक चीज का आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है, फिर ट्राई उसकी है में गारंटी। शायद अभी 1 महीने का एक फ्री भी है शायद, उसमें हाँ ऐसे 40 ओवर का एक है शायद कोर्स, वो फ्री है, कर सकते हो अभी। ऐसे ऑफर आते रहते हैं और आपकी रैंक अच्छी होती है तो ये सब चीज आप मेंशन कर सकते हैं अच्छे प्लेटफॉर्म्स का कि भाई सर मेरी कूपन भी ट्राई। मिलते हैं ना उस पे, तो एग्जाम हाँ भी दे कूपन्स सकते हैं। वगैरह हैं सब कुछ, आपको कूपन मिलेगा। लिंक्डइन के ऊपर जाओगे तो लिंक्डइन वाले आपको कूपन्स वगैरह सब कुछ देंगे, क्योंकि आपकी उसमें रैंक पे डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता। हाँ एक मिनट ये रुकना जरा, सोचो कि आई थिंक अगर किसी को पता हो तो फेसबुक के अंदर किसी ने बग निकाला था, फेसबुक ने उसको शायद 5 लाख के आसपास कुछ अमाउंट दिया था, 5 लाख से 50 लाख, आई डोंट नो, कुछ पता उसका आइडिया नहीं मैं, बट इतना है 5 लाख से ऊपर ही अमाउंट कुछ। वो एक लड़की मेडिकल के अंदर, वो मेडिकल की लड़की है सोच लो। हाँ 20 लाख मिले थे उससे। सर हाँ वो डिपेंड करता है आपका नॉलेज क्या है उस चीज हेलो को लेकर, मयंक, अंडरस्टैंडिंग क्या है। हेलो मयंक, हाँ बोलिए।
एक काम करना ना, ग्रुप के अंदर मतलब डाल देना ये सब, मतलब जो साइट्स के नेम है ना, ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, वो सब टोटल एक काम करें, उसके बेटर है आपको गूगल के ऊपर लिखोगे ना टॉप 10 वेबसाइट्स ऑफ लर्निंग इन साइबर सिक्योरिटी, देन यू विल गेट ऑल वेबसाइट्स, क्योंकि आप हैकर रैंक, हैकर रैंक, हैकर, हैकर टाइपर, हैकर चेकर करके इसे आपको पता चल जाएगा वेबसाइट्स के नाम। वो डिपेंड करता है आपके आरएनडी स्किल्स के ऊपर, एम आई राइट रजत? हाँ वो भी बराबर है, आपकी स्किल्स क्या है उस चीज को लेके वो डिपेंड करता है, आरएनडी स्किल्स क्या है आपकी। सर बाहर गए लगते हैं इसलिए नहीं, अगर किसी के पास अगर कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स हो ना तो फिर ग्रुप में डाल देना, ऐसा ग्रुप में डाल दो आप, ग्रुप में शेयर रहो, ग्रुप में एक्टिव रहो, लिंक्डइन पे रहो, डिस्कॉर्ड में रहो, मतलब बहुत बहुत तरह के प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं आप जिस पे जा सकते हो। मतलब सिक्योरिटी एक ऐसी प्लेटफॉर्म हो चुकी है तो साइबर सिक्योरिटी हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जा चुका है, एमएल सिक्योरिटी, एआई सिक्योरिटी, हर एक डिपार्टमेंट सिक्योरिटी जा चुकी है। इसके अलावा हमारे पास एक और सर्च इंजन है, ठीक है, सेंसेस, इस पे भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप किसी भी चीज का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने डाला विंडोज एक्सपी, या फिर मैं कोई भी आईपी डाल देता हूँ, वेबकैम एक्सपी, तो ये सब क्या है इन्फॉर्मेशन, मतलब ये आप कोई भी तरीका अपना लो, कोई भी टूल अपना लो, मेन मोटिव इसका यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, ठीक है। अब वो आप किसी भी तरीके से करो वो मैटर नहीं करता, आप कोई टूल यूज करो, आप डायरेक्ट चले जाओ चैनल पे, आप डायरेक्ट किसी पब्लिक प्रोफाइल से डाटा उठा लो, किसी से भी उठा लो, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है ये कि आपके पास वो डाटा होना चाहिए। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से मेन मोटिव हमारा यही है कि हम जो भी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं ग्लोबली पब्लिकली एक्सेसिबल डाटा को, ना कि कोई भी प्राइवेट डाटा, ठीक है। तो इसी को हमने इसी में कवर अप करते हैं, इसी चीज के लिए कि जो हम डाटा ढूंढ रहे हैं वो बेसिकली हमारा पब्लिकली अवेलेबल रिसोर्सेज से है। सर बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, अब नहीं आएगी, मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है। फिर हम लिंक्डइन से भी डाटा निकाल सकते हैं। लिंक्डइन से अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई उस कंपनी में कितने यूजर जुड़े हुए हैं, या ऐसे कितने यूजर हैं जिन्होंने अपने प्रोफाइल में उस कंपनी का नाम मेंशन कर रखा है, तो उसके लिए भी हमारे पास दी हार्वेस्टर टूल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं सोर्स दे रहा हूँ लिंक्डइन, लिमिट 200 ही रहने देते हैं, और जिस कंपनी का मैं निकालना चाहता हूँ तो उस कंपनी का नाम है craw.in। तो craw के जितने भी इम्प्लॉयज होंगे या craw से रिलेटेड जितने भी पर्सन है जिन्होंने अपने URL में, URL नहीं, अपनी प्रोफाइल में कहीं भी craw मेंशन कर रखा होगा, उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे यूजर्स आ गए, ये सारे craw से जुड़े हुए हैं। सर एक बार आपकी कमांड दिखाना, एक मिनट, ये थी कमांड, ठीक है सर। -d फॉर डोमेन, -l लिमिट, और -b फॉर सोर्स। सोर्स मतलब एक सर, एक अगर सारे डाल से किसी को सर्च करना चाहिए तो नहीं, आप पर्टिकुलर पर्सन को सर्च नहीं कर सकते इससे। सर सोर्स बढ़ा तो सकते हैं ना, तुम सोर्स में लिंक्डइन की जगह गूगल, बिंग, याहू, बायदू, जो चाहो वो यूज कर सकते हो। नहीं सर, एक एक टाइम पे एक से ज्यादा सोर्स लिमिट, हां लिमिट बढ़ा सकते हो, लिमिट बढ़ा सकते हो। सर इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी सर? वैसे 500 लिमिट मिनिमम होती है इसकी, अगर हम बढ़ा और घटा भी सकते हैं। अगर आप लिमिट सेट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली 500 रिजल्ट तो दिखाएगा। मैक्सिमम कितना होगी सर इसकी? मैक्सिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम जितने रिजल्ट्स निकाल सकता है उतने डिक करके देगा आपको, ठीक है सर। ठीक है, फिर शैल लॉक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शैल लॉक टूल बेसिकली आपका
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूजर नेम का इस्तेमाल करके आपको डाटा निकाल के देते हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं गिटहब पर जाता हूँ और यहाँ से शेरलॉक टूल डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ मैं क्या, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे लिखा मैंने गिट स्पेस क्लोन, URL पेस्ट किया, एंटर किया। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड कहाँ पे मिल जाएगी, इसके नीचे ये, ठीक है। उसके बाद आप इस फोल्डर में जाओ, CD शेरलॉक, यहाँ पे वो वाली कोड पेस्ट करो जो हमने वहां से क्लोन किया है, कॉपी और एंटर, ठीक है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ls करके CD शेरलॉक फोल्डर में जाऊंगा, ls, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, sherlock.py को चलाऊंगा पाइथन से, .py फाइल है तो पाइथन से चलेगी, पाइथन 3 sherlock.py। यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम दे रहा हूँ, IamRajat55। तो अगर आपको यूजर नेम पता है तो आप यूजर नेम दो, वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, और अगर आपको यूजर नेम नहीं पता तो आप उस पर्सन का पूरा नाम दे सकते हो, बट गारंटी नहीं है वो किस पर्सन को ढूंढ के देगा, बट अगर आप यूजर नेम देते हो तो गारंटी है कि वहाँ पर वो उसी पर्सन को ढूंढ के देगा जिसका नाम आपने डाला है। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम में अपना नाम डाला है IamRajat55। तो जहाँ भी मेरा IamRajat55 से यूजर नेम होगा वो सारी साइट्स ही निकाल के दे देगा। बट यहाँ पे भी एक वीक पॉइंट ये है कि ये सिर्फ उन्हीं साइट्स को निकाल कर देगा जिन साइट्स पे, जो साइट्स इसके डाटाबेस में डाली हुई है, ठीक है, इस टूल के डाटाबेस में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो facebook.com पे मिला, ठीक है, तो facebook.com पे भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी डिटेल आ गई कि भाई इस यूजर नेम से ये बंदा फेसबुक पर है। उसके बाद ये और भी ढूंढ के देगा गिटहब पे, हैकर वन पे, अब जरूरी नहीं है हर जगह मेरा यही यूजर नेम हो, कुछ कुछ जगहों पे यही है, कुछ कुछ जगहों पे मेरा अकाउंट भी नहीं है, जैसे मेरा 49 ट्रैकर पे नहीं है, फ्रीलांसर पे ठीक है, हैकर वन पे भी ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, इसको होने देते हैं, तब तक आगे चलते हैं। सर मैं हार्वेस्टर पे कमांड डाल रहा हूँ ना, तो वो इंस्टॉल नहीं हो रही, मतलब, और इंस्टॉल भी मैंने इसको इंस्टॉल के लिए दोबारा कमांड डाली थी तो वो कह रहा न्यूएस्ट वर्जन नहीं है। इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल है बट वो कमांड नहीं चल रही। द हार्वेस्टर का THE स्मॉल में करो और कैपिटल H लगा के लिखो हार्वेस्टर। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, जैसे फॉलोवर वंक नाम की वेबसाइट है, इसको आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट फुटप्रिंटिंग आता है, वेबसाइट फुटप्रिंटिंग में आप पिंग कमांड से किसी वेबसाइट के लाइव होने का पता लगा सकते हो, ठीक है, तो पिंग कमांड तो सबको पता ही होगी। यस सर, ठीक है, तो बाकी पिंग के बारे में मैं डिटेल में आपको स्कैनिंग वाले मॉड्यूल में सिखाऊंगा। उसके बाद आप पता लगा सकते हो कोई वेबसाइट कब, उसके स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ठीक है, पुरानी से पुरानी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट देख सकते हो जो डिलीट हो गई है उनका भी, तो उसके लिए हमारे पास वेबसाइट है web.archive.org। यहाँ पे आप किसी वेबसाइट का फेसबुक कर लेते हैं। यहाँ पर है ना सर, फेमस प्लेटफॉर्म में उनका ही दिखाता है सर, छोटे
छोटे वाले प्लेटफॉर्म से नहीं दिखा। हाँ तो जैसे मेरा ये 2010 में फेसबुक कैसी नजर आती थी, मैं किसी भी एक स्क्रीनशॉट पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हो 2010 11 फरवरी को फेसबुक कुछ इस तरीके से दिखती थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टूल होता है वेब डेटा एक्सट्रैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने सारी चीजें निकाल दी, ट्रैक मी पे भी सही निकाला है इसने, बाकी सिर्फ इतनी साइट थी तो इतने पे निकाल पाया, इंस्टा विंस्टा पे नहीं निकाल पाया, ठीक है। तो इस टूल की खुद में भी कुछ कमियां हैं। देन उसके बाद हमारा है वेब डाटा एक्सट्रैक्टर। वेब डाटा एक्सट्रैक्टर बेसिकली किसी भी वेबसाइट से पब्लिकली एक्सेसिबल ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर्स को निकालता है। तो यहाँ पर आप उस वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हो जिसको भी आप स्कैन करना चाहते हो। सर पासवर्ड अटैक्स के लिए सबसे बढ़िया कौन सा ऐप रहता है? हाइड्रा। ऑनलाइन के लिए भी? हाँ तो यहाँ पे स्टार्ट यूआरएल आ गया। और सर अगर मतलब बंदे की थोड़ी बहुत जानकारी हो और उसके वर्ड लिस्ट में कैसे डालेंगे? वर्ड लिस्ट बना लो .txt फाइल में और उसमें उसकी जो डिफॉल्ट है उसी में ऐड कर देंगे ना? हाँ उसी में डाल सकते हो। तो वो कहाँ मिलता है? हाइड्रा की कोई डिफॉल्ट वर्ड लिस्ट नहीं है ऐसे, तुम रॉक्यू .txt से लगाते हो अटैक वैसे, लेकिन तुम खुद की एक वर्ड लिस्ट .txt वाले के फाइल बना लो और हाइफन पी देके पासवर्ड की लिस्ट के लिए वहां पे पाथ दे दो उसका पूरा। अभी मैं वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराऊंगा ना, उसमें मैं हाइड्रा से ब्रूट फोर्सिंग करके दिखाऊंगा आपको एफटीपी पे। इसे अगर वर्ड वो थोड़ी बहुत सोशल इंजीनियरिंग कर रखी हो तो एचएसटीएस वाली जो वेबसाइट फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐसी तगड़ी वेबसाइट्स हो गई उसमें भी घुसा जा सकता है ना अगर बंदे के बारे में पता हो तो? हाँ कोशिश कर सकते हो। प्रेडिक्टेबल मोस्टली लोग प्रिडिक्टेबल पासवर्ड ही रखते हैं कुछ ऐसा। लेकिन दिक्कत ये भी है ना जितनी भी बड़ी साइट्स है ना इन्होंने अब रेट लिमिटिंग लगा रखा है। रेट लिमिटिंग की फीचर्स होने से क्या होता है कि आप अगर पासवर्ड गलत डालते हो तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, इवन कई बार अकाउंट को भी लॉक कर दिया जाता है। सर टू ए पे भी मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन भी होता है और ये वाला भी और लिमिट भी होता है सर लॉगिन का। सर यहाँ पर जो सर प्रैक्टिकल वाले पीडीएफ में जो मतलब दिया हुआ है यहाँ पर ये मतलब प्रैक्टिकल से मतलब ये सभी मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग दिए हुए हैं? हाँ अलग अलग चैप्टर में अलग अलग प्रैक्टिकल है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिकल है, ठीक है। सर जो मतलब अभी क्लास लेंगे उसमें पूरे नहीं होंगे कवर, बाकी हमें करने पड़ेंगे? हाँ देखो बाकी तुम्हें करने पड़ेंगे क्योंकि देखो एक 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 मॉड्यूल में अगर 50 प्रैक्टिकल है तो 50 के 50 क्लास में कराना पॉसिबल नहीं, ऐसे तो 2-3 दिन में एक क्लास खत्म होगी। तो मेरा यही यही रहता है कि मैं कम से कम 20 करा दूं तुम्हें, 25 करा दूं, 30 करा दूं, बाकी आप भी तो कुछ प्रैक्टिस करोगे।
सर ये जो पीडीएफ है ना सर, इसमें मतलब जो फोटोज दिए हुए स्क्रीनशॉट, उसकी जो क्वालिटी ना सर मतलब बहुत खराब दिख रही है सर, बाकी ठीक से दिख नहीं रहे। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये अनऑफिशियली डाउनलोडेड और कंप्रेस्ड है, बट आप जब अपने पे करोगे तो आप सिर्फ कमांड पढ़ लो ना, कमांड में कमांड भी लिखी हुई है, एक एक स्टेप दी हुई है उसमें, ठीक है सर। ठीक नहीं है, सर तो अगर उसका स्क्रीनशॉट डाल रखा है बस वहां पे। ठीक है सर, अब तो बुक्स भी आ गई एकेडमी में। हाँ कौन सी बुक सर? यही सीएच की बुक मिल जाएगी एकेडमी से, ले लेना भाई। कहाँ से? एकेडमी से साकेत तुम लोग लिया है क्या? जो भाई मैं तो सैटरडे संडे जाता हूँ, तो मेरे को मिल गई। हमें तो नहीं मिली भाई, भाई हम जाना लोग तो पड़ेगा भाई ना, उधर, भाई मैं तो बाहर से हूँ रे भाई, मैं तो उदयपुर से हूँ तो आना तो पड़ेगा ना भाई। भाई, उदयपुर से बुक लेने थोड़ी हमारा कुरियर हाँ नहीं मंगाना मतलब अगर पड़ेगा। यहाँ पे आओगे तो दे पाएंगे ना? हाँ वो तो कॉरियर हो जाएगी, कॉरियर पे डिपेंड करता है, कॉरियर हाँ वो आप का एक बार बात कर लेना। कितने पेज की बुक है वैसे, एक 500? पेज पे दो है या फिर सिंगल पे सिंगल है? नहीं भाई डबल साइड है, मतलब दोनों साइड है नहीं आगे एक मतलब। पेज पे दो है, आगे दो है, पीछे दो है, या फिर आगे है कि पीछे है कि यूं? यार इतना तो नहीं देखा मैंने, तो पहली ओके देखा अच्छा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेब डाटा एक्सट्रैक्टर है, इसमें हमने देखो ईमेल्स निकाले उस वेबसाइट के certifiedhacker.com के, उसके बाद यहाँ पे कुछ फोन नंबर भी अवेलेबल थे हमारे पास जिन पे कॉल लिखा आ रहा है, फोन लिखा आ रहा है, तो ये कुछ नंबर्स थे जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं वेब डाटा एक्सट्रैक्टर टूल का इस्तेमाल करके। उसके बाद आता है किसी वेबसाइट को क्लोन कैसे करें, हालांकि जो वल्नरेबल साइट्स होंगी उन्हीं को आप क्लोन कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास टूल होता है WinSTT Track, तो टूल किट में आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है, तो WinSTT Track आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आप नेक्स्ट करो, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम दो, ABCD दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे अपनी वेबसाइट देनी है, तो मैं वेबसाइट दे रहा हूँ testphp.vulnweb.com, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन सेट कर सकते हैं, ऑप्शन में मैं स्कैन रूल्स में JPG फाइल, JPEG फाइल, PNG फाइल ले सकता हूँ, ZIP फाइल ले सकता हूँ, MP3 फाइल ले सकता हूँ, इन सबको सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, नेक्स्ट और फिनिश, ये उसको क्लोन करना शुरू कर देगा वेबसाइट को, और एक बार वेबसाइट क्लोन हो जाएगी तो हम उसको फिर ऑफलाइन मोड पे बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी यूज कर सकते हैं, उसके सोर्स कोड को रिव्यू कर सकते हैं। सर क्लोन करके उसका मतलब सोर्स कोड में चेंजेस करके सर्वर अपने साइड लगा सकते हैं ना, फिर हाँ किसी को स्पैम मेल की तरह भेज सकते हैं सर। ज्यादातर लोग फिशिंग करने के लिए क्लोन कर लेते हैं साइट्स को, वो इसी तरीके से करते हैं। इट मीन्स कि आपका पूरा जो वेबसाइट है वो ऑफलाइन मोड के ऊपर हो जाएगी, तो आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो। हाँ तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये डाउनलोड हो गई है और ये मेरा सी ड्राइव में माई फाइल साइट्स में गई है ABCD, और यहाँ पे आप देख सकते हो index.html है, और पूरी की पूरी साइट अब कहाँ पे चल रही है, मेरी डायरेक्टरी में, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी खोल सकता हूँ, तो इस तरीके से ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। उसके अलावा हमारे पास काली में एक टूल होता है सिविल कस्टम वर्डलिस्ट जनरेटर, तो हम किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल करके खुद की वर्डलिस्ट बना सकते हैं उस पे इस्तेमाल होने वाले कीवर्ड्स का, तो कस्टम वर्डलिस्ट जनरेटर सिविल स्पेस देके URL ऑफ द वेबसाइट, तो उससे आप कॉमन जो वर्ड्स उस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं उन्हीं से वर्ड लिस्ट बना सकते हो, तो ये वर्ड लिस्ट बन गई मेरी। ठीक है, फिर आपका आता है ईमेल फुटप्रिंटिंग, तो ईमेल फुटप्रिंटिंग का तो मतलब ये है कि आप ईमेल के सर्वर्स का इन सब चीजों का कैसे पता लगाते हैं, तो उसके लिए आप ईमेल ट्रैकर प्रो भी यूज कर सकते हैं या मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मैनुअली के लिए आपको सिर्फ आईपी एड्रेस चाहिए, उस आईपी एड्रेस को आप गूगल पे ट्रैक करके लोकेशन या फिर उसके मेन सर्वर का पता लगा सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो,
जैसे मेरे पास एक मेल है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये मेल आया अभी अभी, मैं क्या करता हूँ इस पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, शो ओरिजिनल करता हूँ, और यहाँ मुझे मिल जाएगा इस मेल के सर्वर का आईपी। इस सर्वर के आईपी को मैं कॉपी करके आईपी टू लोकेशन से पता लगा सकता हूँ कि ये ओरिजिनल मेल है या फेक मेल है। क्योंकि जो ओरिजिनल होगा वो जीमेल से ही आया होगा, जीमेल के सर्वर का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास आईपी था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैलिफोर्निया रीजन माउंटेन व्यू, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ गए, गूगल आईएसपी है तो मतलब ओरिजिनल मेल है, गूगल एलएलसी। ठीक है, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे मेरी मेल आईडी है, जिस बंदे ने मुझे भेजी है उसने इनक्रिप्शन कौन सी यूज कर रखी है, RSA SHA-256। ठीक है, ये रहा यहाँ पे। उसके बाद मेल सर्वर कौन सा यूज किया है, गूगल का। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये मेल लेजिट है या नहीं। उसके बाद आता है आपके पास हुईस। हुईस का मतलब है जहां से आपने डोमेन बाय किया है। तो मैं यहाँ पे गोडैडी का हुईस यूज कर रहा हूँ। और मतलब उसमें तो शायद डोमेन वगैरह सब कुछ वेरीफाइड कर सकते हैं ना, आई थिंक उसमें तो। हाँ, जैसे मैं certifiedhacker.com का पता लगाऊं कि कब और कहाँ से बाय किया गया था और कब एक्सपायर होगा, कब क्रिएट हुआ था, ये सब चीजें। सर पर बाकी डोमेन्स का शो नहीं करता सर। हाँ, वो प्राइवेसी गार्ड लगा के रखते हैं जिसकी वजह से वो शो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखो certifiedhacker.com कब बाय की गई थी, 2002 में, 30/7/2002 में बनी थी ये। अपडेटेड कब हुई थी लास्ट टाइम, 30/5/2021 में। कंपनी कौन सी है जहाँ से इन्होंने बाय किया था, networksolutions.com से। और यहाँ पे सर्वर जो है वो दो इस्तेमाल कर रहे हैं ये। होस्टिंग कौन सी है, bluehost.com, यानी होस्टिंग प्रोवाइडर इनका bluehost है। और नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2, इनके दो सर्वर है, यानी एक बैकअप सर्वर भी है इनका। तो इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो किसी भी वेबसाइट के डोमेन से, उसके बाय होने की, उसकी कंपनी की जहां से वो बाय किया गया था, और उसके नेम सर्वर की इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी का जो पोर्शन है एनएस लुकअप पिंग ये सब हमारा स्कैनिंग वाले मॉड्यूल में भी आएगा, तो हम उसमें कवर अप करेंगे ये सब चीजें। ठीक है, बाकी इसको इतना ही रखो। और रिवर्स आईपी डोमेन चेक हम कर चुके हैं यू गेट सिग्नल नाम की वेबसाइट पर जाकर, और जितना मैंने करा है इसको प्रैक्टिस करना। कोई डाउट आए, कुछ प्रैक्टिकली कुछ दिक्कत आए तो पूछ लेना। हेलो रजत। हाँ बोलो। एक्चुअली जो आपने बताया था ना मेरे को, कौन सा जो मैंने आपसे यूआरएल लिया था, yourhacker.in, हाँ, उसके अंदर दोनों बुक है ना, दोनों है ना, दोनों और पासवर्ड ना उसी वेबसाइट पे www। हाँ, वो तो सब कुछ हो गया, क्रैक हो गया, कर दिया मैंने। हाँ, दोनों उसी में, एक लैब मैनुअल के नाम से आई होगी, एक क्रैक, वो क्रैक कर दिया मैंने उसको। देखो इस तरीके से स्क्रीन शेयर है ना मेरी, तो आपको दो बुक मिलेंगी, एक बुक मिलेगी। हाँ, वो मिल गई, मैं चेक कर लिया मैंने पूरा उसमें। चेक कर लिया, वो तो चेक कर लिया मैंने पूरा उसमें। प्रैक्टिकल्स आपके पूरे लैब मैनुअल में दिए हुए हैं। हाँ, वो मैंने चेक कर लिया पूरा उसमें। और उसके अलावा जैसे कि एक चीज और पूछ रहा था मैं, ये अपना जो लैब सेटअप है ना, तो उसे इस बुक वाला ही रहेगा या फिर कुछ चेंज होगा लैब सेटअप के अंदर? नहीं, सब अपने हिसाब से करो आप, बुक की तरह मत चलो, बुक की तरफ प्रैक्टिकल करो। बाकी सब आप अपना करो, जैसे आप काली यूज करो उसमें पैरट दे रखी है, उसमें विंडो 10 है, आप 7 यूज करो अगर आपका सिस्टम स्लो है तो। नहीं, मेरा 8GB रैम है, 512 SSD है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप अपना काली के साथ 10 कर सकते हो, लैपटॉप पे i5 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, कौन से बुक सर?
वो एथिकल हैकिंग की कहाँ से डाउनलोड